हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। लाहौल स्पीति जिला के लोसर में 2 इंच, रोहतांग टनल, कुंजुम पास, बारालाचा में करीब 3 इंच ताजा हिमपात हुआ है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के पांगी, भरमौर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी जारी है। शिमला और कांगड़ा जिला में भी सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। हालांकि बर्फबारी से पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं और इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन येलो अलर्ट के दौरान सैलानियों और स्थानीय लोगों को एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। इस दौरान खासकर अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग नहीं करने की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में अगले 5 दिन मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला में अधिक ऊंचाई वाले कुछ एक क्षेत्रों में भारी हिमपात का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला के ऊंचे इलाकों में भी अगले 3 दिन बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने चंबा के तीसा और भटियात में 12 व 13 जनवरी को भारी हिमपात का अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में परसों, किन्नौर में कल और परसों, कुल्लू में कल व रात भर, मंडी के ऊंचे क्षेत्रों में परसों, शिमला में आज रात व कल और सिरमौर जिला में परसों भारी बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।